नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एटीजेड। बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर पहुंचे रसा। बलिया जनपद के रसा ब्लॉक मुख्यालय पर शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस के रूप में मनाया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व बलिया जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने सर्वप्रथम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वही मंत्री के मंच पर दर्जनों भंडारी टाइप के नेता बैठे दिखे, जो सभी दलों में आटा पोत कर भंडारी का काम करते हैं, गाँव की भोली वाली जनता का वोटों का सौदा करते हैं। हालांकि अपने संबोधन में अनिल राजभर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने व उनकी आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित हैं। उसके लिए विभिन्न योजनाएं व नीतियां बनाकर लगातार कार्य कर रहे हैं। बावजूद इसके विपक्षों ने कुछ किसानों को गुमराह कर आंदोलन खड़ा कर दिया है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर किसान सम्मान निधि में 18,000 करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण कर 9 करोड़ से अधिक किसानों को एक साथ लाभ पहुंचाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार 2024 तक किसानों को निःशुल्क बिजली देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने समारोह में उपस्थित किसानों, ग्राम प्रधानों व अन्य लोगों को विश्वास दिलाया है कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं के साथ साथ सभी के विकास के प्रति कृत संकल्पित है और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पूरी निष्पक्षता के साथ क्रियान्वयन करा रही है, जिससे विपक्षी दल पूरी तरह बौखला गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि में किसानों के खाते में बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए किए हस्तांतरण का लाइव प्रसारण को वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने पूरे ध्यान से सुना तथा किसान हित में प्रधानमंत्री के भाषणों पर जमकर तालियां भी बजाई। कार्यक्रम के बाद समाचार टू जेट के संवाददाता ने पूछा, किसानों के हितों की बात करने वाली सरकार, बरसों से 62 एकड़ में सस्ता चीनी मिल बंद है, हजारों किसान मजदूर भुखमरी की कगार पर हैं। समाचार टू जेट के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। करेंगे और 24 घंटा बिजली देने का काम करेंगे, ये उत्तर प्रदेश की सरकार फैसला करने जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है, ये कल्पना करिए। हम इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। नाम पड़ी आपके? हाँ, गीता देवी। कहाँ आई है? कहाँ आई है? कहाँ आई बने? रुका भाई, तो हाँ कहाँ आई बने? अरे आप बताइए ना, 25 साल से प्रधान बनी महाराज तने, आप बताइए ना। तो 25 साल से प्रधान बनी, प्रधानमंत्री कार्यक्रम पर सरकार कुछ ना बताए, आप बताइए ना, वो कहाँ आई बने? क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? पतिराम। कहाँ है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कहाँ आए हैं? नहीं, यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ आए हैं यहाँ पे? क्या देखे? अरे ये सुना था मुझे। क्या चीज? क्या चीज? अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामप्रिय जी। कहाँ आए हैं? भैया ब्लॉक पे। क्या कार्यक्रम का? कार्यक्रम का हुआ? कार्यक्रम का हुआ? कहाँ देख ला, कहाँ सुन ला? मैं हर वक्त साहूकार के पास जाना पड़ता था। कहाँ चीज? 2000 रुपए। अब हमें सरकार जो है सबका साथ सबका विकास, दवाई, शिक्षा पे पानी की तरह पैसा बह रही है। ऐसे में यूपी के बलिया जनपद में जो है 63 एकड़ में जो है कताई मिल बरसों से बंद है। सरकार ने कई बार यहां कहा की घोषणा की खुलेगी, और आप भी चूंकि बलिया के प्रभारी मंत्री है, ताबड़तोड़ दौड़ा करते रहते हैं। ऐसे में आज भी जो है वो मिल बंद है और हजारों श्रमिक आज भी भुखमरी कगार पे। जहां तक सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, ऐसे में जानना चाहेंगे क्या विकास हुई? नहीं देखिए, विकास का स्तर और स्टेप बाय स्टेप विकास करने में उत्तर प्रदेश की सरकार भरोसा करती है। बहुजन समाज पार्टी के जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में यही इसी उत्तर प्रदेश के अंदर कई मिलों को बेचने का काम किया गया, लेकिन कई बंद पड़ी मिलों को चालू करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज आप सभी सम्मानित मीडिया के हमारे साथियों ने भी और पार्टी के भी सम्मानित लोगों ने भी ये विषय मेरे सामने लाया है। मैं निश्चित तौर पर अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर यहाँ की कताई मिल को कैसे फिर से चालू किया जा सकता है, या विकल्प के तौर पर यहाँ उद्योग
का क्या स्वरूप हम लोग डेवलप कर सकते हैं ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके, उस पर निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँ। मंत्री जी, जिस तरीके से सरकार जो है सबका साथ सबका विकास के तहत कोरोना पे बहुत बड़ी जो दवाई लाने के प्रयास कर रही है और दिन रात पब्लिक के प्रति सोच रही है, ऐसे में यहाँ पे जो कि समाज एक समाज के नेता है, बड़े नेता अपने आप को कह रहे हैं, ऐसे में जो है बयान दिए थे कि इसमें जो है मेरे दबाव से जो है वो दवाई और पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का जो है मैंने दबाव बना के आज जो है होमगार्ड का ड्रेस बदला के बच्चों को ड्रेस बदला, इस पे वायरल वीडियो है, इस पे क्या कहना है? और दूसरे क्वेश्चन ये है कि अभी एक कुछ ही दिन पहले अभी एक मंत्री यहाँ नेता आए थे जो उन्होंने कहा कि ताड़ी पीने से जो है कोरोना की यूनिटी बरकरार रहती, इस पर आपका दोनों का बयान, चूंकि आप भी उस समाज से बिलोंग करते हैं। नहीं, समाज को ऐसे लोग कलंकित करने का काम करते हैं जी, ना ही राजनीति के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के प्रति भी जो जनता के अंदर छवि होनी चाहिए वो छवि भी प्रभावित होती है सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की। क्या संदेश देना चाहते हैं, भावी पीढ़ी क्या सोचेगी, समाज क्या नेताओं के बारे में सोचेगा जब इस तरह के लोग बयान देंगे? ये सड़क छाप बयान ऐसे लोगों को मुबारक हो। हम लोग कोरोना काल में लड़े हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र में राजनीति को नए तरीके से परिभाषित करने का काम किया है, जिस तरह से सेवा कार्य हम लोगों ने चलाया है। आज दुनिया परेशान है लेकिन हम अपने नेतृत्व का हम स्वागत करना चाहते हैं, जिस धैर्य के साथ कोरोना काल का सामना, कोरोना COVID-19 की चुनौती का सामना हमारी सरकारों ने किया है वो अद्भुत है, उसकी प्रशंसा आज दुनिया कर रही है। और प्रशंसा ही नहीं कर रही है, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उसका अनुसरण भी दुनिया कर रही है। जो रास्ता मोदी जी ने दिखाया है उस रास्ते पर दुनिया चल के COVID-19 की चुनौती का सामना कर रही है। और ये उल जुलूल की और सस्ती भाषा बोलकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले जो लोग हैं निश्चित तौर पर वो राजनीति को भी कलंकित करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के चेहरे को भी कलंकित करने का काम करते हैं। उनकी सोच ऐसे लोगों की, उनको मुबारक। चलिए, थैंक यू बात करने के लिए।